नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल माय फैब लाइफी पे। गाइस, आज मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ बस एक छोटा सा अपना एक का क्या बोलूं शिकायत कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी लगता है कि मेरी एफर्ट दिखती है तो यार लाइक तो बनता है, एटलीस्ट आप लाइक कर दो या फिर सब्सक्राइब कर दो। लेकिन थोड़ा सा तो प्यार दिखाओ ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और मेहनत करके उसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ। चलिए ठीक है, आप वो मुझे पता है वापस पर कर देंगे। तो आज जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू करने वाली हूँ गाइज, वो है इनसाइड की 24 आवर्स नॉन ट्रांसफर मैट लिपस्टिक। इसका ही मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। ये मैंने रिसेंटली नायका से लिया है और उसी पे अब मैं करने वाली हूँ। इस पे द पैकेट को ओपन करने से पहले बता दूँ, ईच लिपस्टिक कॉस्टेड मी 220 रुपीस। 220 रुपए का मुझे एक लिपस्टिक कॉस्ट किया है तो दोनों का कॉस्ट हो गया 440 रुपीस। मैंने दो शेड इसमें लिए हैं, एक मैंने न्यूड लिया है और एक मैंने जो लगा के रखा हुआ है ना, दिस इज द अदर शेड। तो अब मैं दोनों को डिस्क्राइब करूंगी थोड़ी देर में। तो 220 रुपीस का हमारा कॉस्ट आ गया और लिपस्टिक लगा रखी है मैंने जो इट्स रियली नॉन ट्रांसफर गाइज, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करता है। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम अब मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करती हूँ। सो फॉलो इट। सो दिस इज़ द लिपस्टिक गाइज, और ये इस तरीके के पैकेज में आता है। इस पर बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग मुझे लिखी है। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है नॉन ट्रांसफर मैट लिपस्टिक फ्रॉम इनसाइड 24 आर मैट। साथ में ये कुछ चीज़ें क्लेम करता है जो मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो शायद इसमें लिखी है। या इट्स रिटन इट्स अ क्रीमी मैट ट्रांसफर प्रूफ लॉन्ग वेयर लिपस्टिक एनरिच्ड विद जजोबा ऑयल। जजोबा ऑयल गाइज, आप लोगों को पता होगा कि लिपस्टिक जो है ना हमारे लिप्स को ड्राई कर देती है, तो एक ऑयल कंटेंट ज़रूर होता है अच्छे लिपस्टिक में ताकि उसके ड्राइनेस को कम किया जाए। अब तो ये तो हो गई इसकी आउटर पैकेजिंग की बात। अब मैं बात करती हूँ शेड की जो मैंने खरीदी है। मैंने एक शेड तो गाइस खरीदी है 23 पेरिस वाइव्स, जो मैंने लगा के रखी हुई है आज, दिस इज 23। एंड द अदर द न्यूड शेड विच आई हैव ऑर्डर्ड इज 13 मूडी। दिस इज वेरी नाइस लाइट ब्राउनिश न्यूड कलर गाइस, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब इस पैकेजेस की बात कर ली हमने, अब हम लोग अंदर के प्रोडक्ट को देखते हैं। ये इस तरीके जैसा पैकेज का कलर है ना रोज़, गोल्डन रोज़ करके, वैसे ही इसका भी है गाइस। इट्स वेरी क्यूट, मतलब काफ़ी इसको यू नो थोड़ा प्राइम टाइप दिख रहा है। दिस इज सच अ नाइस लिपस्टिक का पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग भी है सॉलिड है पूरा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका नाम, वही इन्होंने इधर भी लिखा हुआ है, दिस इज यू कैन ईजिली सी 24 आर इनसाइड का। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेटर पार्ट, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी मुझे लगता है 220 रुपीज़ में उन्होंने दी है। बहुत ही अच्छा उन्होंने पैकेजिंग भी किया है। इनसाइट मेरे को नहीं पता था इतना अच्छा ब्रांड निकलेगा, मैं फर्स्ट टाइम ही उसको अप्लाई कर रही हूँ गाइस। ये है मैट लिपस्टिक और इसका जब हम ग्लाइड करते हैं ना लिप्स पे, आई कैन शो यू लाइक दिस, इतना ईजिली अप्लाई होता है, इतना ईजिली। जनरली कि अगर हम लोग देखें तो जो मैट लिपस्टिक होते हैं ना उसको अप्लाई करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इवन अगर वो लिक्विड ना हो तो। लेकिन इसमें वो केस नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये ग्लाइड हो रहा है, विच इज रियली एन ऑसम पार्ट ऑफ द लिपस्टिक। सो दिस इज द फर्स्ट कलर 23 पेरिस वाइव्स, इज पिंकिश एंड रेड मिक्स, जो मैंने लगा भी रखा हुआ है, आपको आइडिया उसी से लग जाएगा। तो ये हमारा पहला शेड हो गया। अब मैं अपने दूसरे शेड की बात करती हूँ। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप लोग उतना लिपस्टिक नहीं लगाते, स्टिल यू वांट टू हैव अ नाइस कलर, अ नाइस यू नो एक अच्छी क्वालिटी का लिपस्टिक अंडर 200 और 300 रुपीज़, एंड आई विल से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको लगा के 24 आवर चेक किया है। मैं अभी उसको बताऊंगी जब पहले मैं ये खत्म कर दूँ तो कि डज इट स्टे टू इट्स वर्ड। दिस इज मूडी 13 मूडी गाइस, और जो कलर ये हम लोगों को दे रहा है दिस इज दिस कलर। कि दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी आप देख भी रहोगे कि ये एक ना एकदम क्रीमी टेक्सचर की तरह अप्लाई हो रहा है इतना ईजिली। यार मैट लिपस्टिक मुझे नहीं लगता कि अप्लाई हो सकता है, बहुत ही अच्छा है ये एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। मतलब मैंने लगाया और मैं काफ़ी खुश थी कि भैया परचेज कोई ख़राब नहीं हुई है, ठीक ठाक परचेज ही हुई है। ये हो गया, तो ये दोनों लिपस्टिक मैंने गाइस लिए हैं। आप बोलोगे कितने सारे कलर से आपने दो क्यों लिए। देखो न्यूड शेड मैं लगाती हूँ, इससे मैंने एक न्यूड ले लिया और दूसरा मैंने पिंक, क्योंकि थोड़ा सा ओकेजनल भी चाहिए होता है, क्योंकि मैं सब यार रखने के लिए आपको दिखाने के लिए नहीं खरीदती हूँ चीज़ें, आई रियली यूज इट एंड देन कम फॉर द रिव्यू। सो दीज आर द टू कलर, दिस इज द पैकेजिंग इनसाइड, दिस इज द पैकेजिंग आउटसाइड। 220 रुपीज़ का मुझे ये कॉस्ट किया है, वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और बाकी अब हम बात करते हैं आगे गाइज। तो मैं लिपस्टिक की बात करूँ ना दोनों की, तो मैंने इसको दो दिन पहले मैंने इसको लगाया, और थोड़ा सा टाइम आप इसको स्टार्टिंग में दीजिए ताकि ये ड्राई हो। वैसे तो ये बहुत ईजिली एकदम वेलवेट की तरह अप्लाई होता है। मैं इसको थोड़ा सा टचअप आपके सामने कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना हो कि दीपा झूठ बोल रही है। बहुत ही ईजिली ये अप्लाई हो जाता है गाइज। अप्लाई होने के बाद आपको थोड़ा सा इसको छोड़ना है एंड देन यू आर गुड टू गो। अभी मैंने जस्ट लगाया, अगर मैं अभी लगाऊंगी तो कैन यू सी इट्स शोइंग सम, थोड़ा सा वो इंप्रेशन दे रहा है। अब 5 मिनट अगर इसको छोड़ देंगे ठीक है, उसके बाद आप करोगे ना, रियली इट इज़ नॉन ट्रांसफर, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करता। इवन इफ यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इवन यू विल हैव अ टी, साइड से जाता है क्योंकि वो हमें हम थोड़ा सा हम लोग यू नो स्लाइवा वगैरह रहता है साइड में, तो वो
मतलब गीला रहता है साइड वाला एरिया, तो वो आपको इंप्रेशन चला जाएगा, वैसे बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता है, तो अपने वर्ड पे बहुत ही ट्रू है। हाँ, स्टे पावर की अगर मैं बात करूँ तो इसका स्टे जो है डेफिनेटली 24 आवर्स तक पूरा एज इट इज नहीं रहेगा। मैंने जो नोटिस किया वो 6 आवर्स के बाद जो इतना जो डीपनेस है वो खत्म हो जाता है, लेकिन हाँ इसकी टिंट जो है वो ऑब्वियसली 24 आवर्स तक रहती है। तो वो आपको जो ये जो पिंकिश और जो रेडिश कलर आपको दिख रहा है वो रहेगा, स्टे करेगा 4 आवर तक, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल भी तस से मस नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद आपको टिंट दिखेगा। तो मैं बोलूँगी इसका स्टे इज फॉर 6 to 7 आवर्स, ये डेफिनेटली स्टे करता है ऑन योर लिप्स, इवन इफ यू आर ईटिंग समथिंग और यू आर ड्रिंकिंग समथिंग, तो उसके लिए इसको थम्स अप है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है गाइस, अगर आप लिपस्टिक लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट इज लाइक 200 to 300, तो बिना कुछ सोचे आप इसको ले सकते हैं इफ़ यू रियली लाइक द मैट थिंग, क्योंकि मैट अभी ट्रेंड में है तो ये चल रहा है। हम लोग ब्रांडेड लिपस्टिक्स अच्छा किया इसको, क्योंकि डेली तो आप 24 घंटे तो लगा के मेरे को नहीं लगता कोई रखता होगा, ओकेजनली ही हम लोग लगाते होंगे, तो दिस इज रियली गुड, और ऐसा भी नहीं खराब प्रोडक्ट है जो ऑयल का यूज हुआ है। लेकिन हाँ मैं बोलूँगी थोड़ा सा ड्राइनेस है इसमें, तो वो सब मैट में होता है, लेकिन अगर आप लिक्विड वाली लगाते हो ना मैट लिपस्टिक, तो उसको तो अप्लाई करने में दिक्कत होती है, प्लस बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगता है, वो ड्राइनेस उतना ज़्यादा तो नहीं, बट येस सम काइंड ऑफ ड्राइनेस स्टिल देयर, तो उसके लिए आप हल्का सा पहले आप बाम लगा लीजिए कुछ, या उसके बाद आप लिपस्टिक ट्राई करें, लेकिन लेट इट ड्राई, शुरू में इसको ड्राई होने दें, उसके बाद हाँ अब मैंने लगा ली ना, मैं इस हाथ में करती हूँ। सी गाइस, बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं, तो ड्राई हो गया, अब वो खत्म हो गया, अब आपके लिप्स पे वो सेट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट गाइस, 220 रुपीज, दिस इज द पैकेजिंग, कलर आई हैव ऑर्डर इज 23 पैरिस वाइव एंड 13 मूडी, मूडी इज रियली गुड, यू कैन सी कि वो भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने लाइक आफ्टर वीडियो हैव टू गो समवेयर, सो दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाई दिस, आप मेरे को ट्रस्ट करें, एक तो मैंने आपके सामने लगा लेना, अब इसको आराम से आग बंद करके ले लीजिए गाइस, थम्स अप, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, दिस संडे आई एम कमिंग विद अनदर वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, ट्रस्ट मी, जस्ट गो एंड बाय इट, जो भी आपको शेड चाहिए, इतनी सारी खरीदने की जरूरत नहीं है, जो आपके चेहरे को सूट करता है, जो आपको लगता है कि आप मोस्टली अब लगा, क्योंकि 220 रुपये पहले इसको खत्म तो होने दो, उसके बाद तो इतनी इतनी सारे लिपस्टिक के स्वॉचेस, या डजेंट मेक सेंस यार, जस्ट बाय, रिव्यू करना है ना, रिव्यू मैं वही करूँगी ना, मैं लगाती हूँ सबका, थोड़ा ना मैं लगा लगा के आपको दिखा दूँगी, मैंने दो लिए हैं, दोनों में यूज़ करूँगी, आप देखोगे भी मेरे अलग अलग वीडियो में, तो चलो